नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। कानपुर देहात में प्रदूषण की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा 39 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के गौर गांव पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की है, जहां वन विभाग ने 10.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। यहां के गौर गांव से वन विभाग द्वारा पौधारोपण करने की शुरुआत की गई है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने गौर गांव के प्राथमिक विद्यालय में अशोक अमरूद आदि के पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की है। वहीं स्कूलों के छात्रों ने भी पौधारोपण किया है। वहीं राकेश सचान ने बताया कि विधानसभा में 10.5 लाख पौधे लगाए जाने हैं। इसके लिए भाजपा के मंडल बूथ अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही कहा गया है कि वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करें। वहीं मंत्री जी ने बताया कि जिले के डीएफओ ने भोगनीपुर से पौधारोपण करने की इच्छा जताई थी, जिसके क्रम में आज गौर गांव के प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम रख पौधारोपण कर शुरुआत की गई है। हमारी विधानसभा के जो डीएफओ महोदय थे, उन्होंने द्विवेदी जी ने हमसे कहा कि इसकी शुरुआत हम भोगनीपुर से कर दें, तो आज गौर गांव में इन्होंने ये कार्यक्रम को रखा है प्राइमरी स्कूल में, और उच्च हमारे तमाम गांव के प्रधान से लेकर के सभी हमारे पदाधिकारी मंडल के संगठन के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, हम अपील करते हैं कि पूरी विधानसभा में जो 5 तारीख का लक्ष्य इन्होंने बांटा है 10.5 लाख पेड़ लगाने का हमारे यहां पर, जिसमें हमारे बूथ अध्यक्षों ने 75,000 पेड़ लगभग इनसे मांगे हैं, वो भी ये दे रहे हैं। सभी ग्राम प्रधान, सभी बीडीसी मेंबर और इसमें सभी विभागों को जोड़ा जा रहा है। ये अभियान सरकार का है, कोई भी विभाग है वो 5 तारीख को इस अभियान से जुड़ेगा और इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज के साथ।